चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइज, आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इस टाइप की फोटोज कैसे क्लिक कर सकते हो अपने घर पे ही। तो ये सारी फोटोज मैंने इंस्टा पे पोस्ट की थी कुछ दिनों पहले, एंड बहुत सारे कमेंट्स एंड बहुत सारे डीएम्स आए कि यार इस फोटो को आपने कैसे शूट किया, ये सारा सेटअप आपने कैसे किया, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो आज की इस वाली वीडियो में यही करने वाले हैं। वैसे तो मैंने एक रील्स वीडियो पोस्ट की थी इन सभी फोटोज का, बीटीएस वीडियो, लेकिन वहाँ पे सब कुछ समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वीडियो सिर्फ 15 सेकंड की थी और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार एक फुल वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में यही करने वाले हैं, आपको यही बताने वाला हूं कि इस वीडियो में आप इस टाइप का स्टूडियो सेटअप कैसे कर सकते हो अपने घर पे ही, एंड ये सारी फोटोज कैसे आप क्लिक कर सकते हो, एंड इवन इससे अच्छी अच्छी फोटोज भी हम क्लिक करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स एंड गियर्स मैंने यूज़ किए इन सारे फोटो शूट में। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है एक बैकड्रॉप की, एंड बैकड्रॉप बहुत ही सस्ता था, ज़्यादा कोई महंगी चीज़ नहीं है, आपको 500-600 रुपए में अमेजोन पे ये मिल जाएगा, एंड मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये भी अराउंड 600 का है। तो अगर आपको यही वाला यूज़ करना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, एंड इवन जो सारे गियर्स मैं यूज़ करने वाला हूँ इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बैकड्रॉप तो आ गया, लेकिन इसके बाद बैकड्रॉप को कहाँ पे लगाना है ये चीज़ देखनी होगी। तो इसके लिए आप एक बैकड्रॉप स्टैंड किट ले सकते हैं अमेजोन से, या फिर अगर आपको सस्ते में ये चीज़ करनी हो तो मैंने क्या किया हुआ है, अपने घर पर ही एक रॉड रखी हुई है, एंड इसको मैंने जस्ट फिट कर रखा दीवार पर ही। बहुत ही सस्ता सेटअप है, 500-700 में ये भी हो जाता है, आप कोई भी एक रस्सी लगा सकते हैं या कोई भी आप डंडा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जस्ट एक बार ये परमानेंट सेट कर देना है, इसके बाद आप इस पर कोई भी बैकड्रॉप यूज़ कर सकते हो, एंड कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो एज ए बैकड्रॉप। तो मैं तो ये वाला तरीका ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, अगर आपको बाय करना हो बैकड्रॉप स्टैंड किट तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी लाइट्स, तो यहाँ पे बेसिकली दो लाइट का हम यूज़ करने वाले हैं, एक तो हमारी जो मेन लाइट होगी की लाइट जो हमारे सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइट अप करेगी वो हम यूज़ करने वाले हैं, एंड सेकंड हमारी रिम लाइट जिससे कि साइड से एक मस्त कलरफुल लाइट निकलने वाली है। सो यहाँ पे जो मेन लाइट हमारी की लाइट है उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी एक रिंग लाइट, आप यहाँ पे कोई भी और लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई भी बल्ब हो, आपके पास कोई ट्यूब लाइट हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये रिंग लाइट थी तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अगर रिंग लाइट हो तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, एंड कुछ और भी क्रिएटिव शॉट आप रिंग लाइट के साथ कर सकते हो, वो अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड अगर बात करें अपनी की लाइट की तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक LED पैनल जो कि RGB है, एंड ये आता है YC ऑनियन की तरफ से। तो ये लाइट मैं पिछले एक मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, एंड आपको मेरी वीडियोज़ में काफ़ी डिफरेंस दिख रहे होंगे, बैकग्राउंड में काफ़ी मस्त कलर वगैरह आते रहते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको इसी लाइट से मिलते हैं क्योंकि ये लाइट RGB है, मतलब लिटरली आप कोई भी कलर इस लाइट से बना सकते हैं, एंड नॉट ओनली दिस आप इसको अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड कोई भी कलर अपने फोन से आप इसमें रख सकते हैं, तो ये आपकी पूरी लाइट उसी कलर की बन जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप इसको डायरेक्टली पावर कर सकते हैं या फिर आप इसको बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप कभी आउटडोर फोटोशूट कर रहे हो या वीडियो शूट कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये बहुत काम आ सकती है बैटरी के साथ यूज़ करके। तो अगर आपको भी ये लाइट अच्छी लगी तो YC ऑनियन की ये टोस्ट LED लाइट आप भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड येस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पोजिंग इस पे करोगे। तो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ एक चेयर का, बहुत ही बेसिक सी चेयर है लेकिन मेरे को बहुत मुश्किल से चेयर मिली है अमेजोन से, मैंने बहुत ढूंढी ऐसी चेयर लेकिन ये जो फोटोग्राफी वाली चेयर्स होती है ना मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन डोंट वरी आपके लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको अगर बाय करनी हो तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये चेयर अब मेरी फेवरेट बन चुकी है फोटो शूट के लिए, तो इसी का हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इस पर बैठ के हम कुछ पोजिंग वगैरह करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा ये फोटो शूट करना, एंड ये पूरा स्टूडियो बिल्ड करते हैं इसी रूम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे पूरा सेटअप हमने कर लिया है, ये पूरा स्टूडियो वाली फील अब यहाँ पे आ रही है, एंड आपको इस वीडियो में भी दिख ही रहा होगा, यहाँ से बिल्कुल मस्त रेड लाइट आ रही है, यहाँ से मेरे पास एक ये रिंग लाइट है जिससे मस्त फेस पे लाइट आ रही है। सो चलिए फोटोज़ को शूट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ की कमी है यहाँ पे कि मेरे कपड़े ये एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है, अगर मैं बिल्कुल ब्लैक टी शर्ट पहन लूँ तो बहुत अच्छी हमारी फोटो आएगी, एंड साइड से बिल्कुल मस्त एक रिम लाइट बनेगी, तो ये सब्जेक्ट को एंड बैकग्राउंड को थोड़ा सा सेपरेशन में भी रखेगा और फोटो हमारी काफ़ी बेस्ट आएंगी। सो चलिए मैं अपने टी शर्ट को चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अपने कपड़ों को हमने चेंज कर लिया है, एंड अब हम फाइनली अपना फोटोशूट स्टार्ट करते हैं, एंड शूट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना कैनन 200D एंड लेंस इसके साथ 50mm। तो 50mm बेस्ट है इस टाइम पे क्योंकि हमने फुल लेंथ फोटो वैसे भी क्लिक नहीं करनी है, एंड इंडोर हम क्लिक कर रहे हैं तो लाइटिंग थोड़ी सी कम पड़ सकती है, इसलिए 1.8 हमने अपर्चर रखा हुआ है, एंड शटर स्पीड लाइटिंग के हिसाब से देख लेंगे, एंड ISO मिनिमम जितना रख सकते हैं 200-400 जितना भी पॉसिबल हो पाया वो हम रखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोज को शूट करना। सो गाइस, ऑल सेट, यहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल लग चुकी है, लाइट्स बिल्कुल रेडी है, एंड कैमरामैन मेरे साथ है स्पार्क्स जो कि मेरी फोटोज क्लिक करने वाले हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं पूरा फोटो शूट, एक बार मैं अपनी कैमरा सेटिंग टेस्ट कर लूँ अपने फोटोग्राफर पे ही, फिर हम फोटो क्लिक कराएंगे। एक बार आप फ्रेमिंग देखिए कहाँ की है, सेम वैसे ही मजा आ जाए। थोड़ा सा लो एंड
दो चार फोटो वहाँ क्लिक करते हैं, मतलब हाफ हाफ क्लिक करते हैं, फोन हमारी बहुत अच्छी आ चुकी है। सो लेट्स ट्राई समथिंग अपर बोल, ओके एक सेकंड, हम कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ प्रॉप्स ले गए हम। सो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो हमने सेम उस टाइप की फोटो अपनी क्लिक कर ली है एंड बहुत ही सही हमारी फोटो लग रही है। इन कैमरा फोटोज ऐसी ही आती है, इनको थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ता है तब जाके हमारी फोटो इतनी अच्छी बन पाती है। अभी ट्राई करते हैं कुछ और शॉट्स। जैसे मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा शॉट काफी टाइम से घूम रहा था कि मैं एक टॉप एंगल से लाइटिंग रख के पूरे फेस में यहाँ पे जो डार्कनेस बनती है वो हम शूट करेंगे इस टाइप की फोटो। उसके लिए हमें जस्ट एक ही लाइट चाहिए, तो मैं इस वाली आरजीबी लाइट को बंद कर दूंगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट हम अपनी रिंग लाइट का यूज करेंगे एंड लाइट को हम बिल्कुल टॉप एंगल से ऐसे रखेंगे। सो देखते हैं कैसी हमारी फोटो आती है। सो भाई यहाँ पे ये वाली फोटो हमारी अच्छी आ चुकी है। अब ट्राई करते हैं स्प्लिट लाइटिंग, जिसमें कि हाफ फेस पे लाइट होती है एंड हाफ फेस पे डार्कनेस होती है। तो ये वाला माइंड में काफी टाइम से चल रहा था मेरे, तो अभी ये भी करके देख लेते हैं। इसमें हमें जस्ट एक ही लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हम इस सिर्फ रिंग लाइट का यूज करने वाले हैं। इसको आपको जस्ट एक साइड रखना है, तो आप इसको लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड भी रख सकते हैं। आउटफिट्स मैंने ब्लैक ही पहन रखे क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक ही है, तो बिल्कुल ऐसा मर्ज हो रहा है बैकग्राउंड से, तो वो सही लग रहा है। सो अभी देखते हैं क्या हम क्लिक कर पाते हैं इस सेटअप पे। तो इस टाइप की लाइटिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट साइड ही रखते हैं और इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ ऐसे, तो जस्ट एक साइड से लाइट आ रही है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आपने देखा कितनी कमाल की फोटो हमने क्लिक की है एंड आपको कौन सी फोटो बेस्ट लगी यार कमेंट करके जरूर बताना। ये सारी फोटो मेरे लिए बहुत अलग थी। इस टाइप का स्टूडियो आप भी घर पे बहुत इजीली सेटअप कर सकते हो। सो आई वांट कि आप भी इस टाइप का स्टूडियो बनाओ, फोटो को क्लिक करो एंड अगर आपकी फोटोज अच्छी आ जाए तो आप इंस्टा पे पोस्ट करो एंड मुझे टैग जरूर करना ताकि मैं भी देख पाऊँ आपको। एंड अगर आप चाहते हैं मैं इन सारी फोटोज का एडिटिंग प्रोसेस आप लोगों को बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से वो चीज़ बताऊंगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको काफी कुछ नेक्स्ट में सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।